गुस्से के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, अगर उस भक्षानर के अंश ने मेरे पापा को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? कामेश्वरी यक्षिणी खामोशी रहती है, युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। युग के ये सवाल पूछते ही कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग गई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू नजर आने लग गए थे। युग कामेश्वरी यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए फिर पूछ पड़ता है, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं कामेश्वरी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बताइए मुझे मेरे पापा को किसने मारा? कामेश्वरी यक्षिणी अपनी आंखों से दरिया बहाते हुए रोते हुए कहती है, मैंने युग, वो मैं ही हूँ जिसने लेखक बाबू को मारा है। जब युग और यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से ये जवाब सुनते हैं तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उन दोनों को तो कामेश्वरी यक्षिणी की बात पर यकीन ही नहीं होता है कि वो कामेश्वरी यक्षिणी जो अनुराग को इतना चाहती थी वो अनुराग को मार सकती है। युग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, क्या कहा आपने कामेश्वरी जी, पापा को आपने मारा है? कामेश्वरी यक्षिणी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए रोते हुए कहती है, हाँ युग, मैंने ही मारा है लेखक बाबू को, मैं ही हूँ उनकी कातिल। युग कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही यामिनी नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हैं ना, मैं ये बात मान ही नहीं सकती हूँ कि आप कभी अनुराग अंकल को मारेंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अनुराग अंकल से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि खुद मर सकती थी पर उन्हें कभी नहीं मार सकती थी। अगर आपको अनुराग अंकल को मारना ही होता तो आप तो उन्हें उसी वक्त मार देती जब वो आपको अमावस्या की रात घाट पर मिले थे, और कब का अपने अभिशाप से मुक्त होकर इस पृथ्वी लोक से जा सकती थी। कह दीजिए कि ये सब एक झूठ है। कामेश्वरी यक्षिणी रोते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहती है, नहीं यामिनी बेटी, यही सच है, मैंने ही लेखक बाबू को मारा है, वो भी अपने इन्हीं हाथों से। युग यामिनी को देखते हुए उससे कहता है, मैंने कहा था ना यामिनी तुमसे कि कामेश्वरी जी ने ही मेरे पापा को मारा है, माँ ने जो भी हमें बताया था वो सब सच है, कामेश्वरी जी ही पापा की कातिल है। यामिनी युग से कुछ नहीं कहती है बल्कि अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, क्यों मारा आपने माँ अनुराग अंकल को, बताइए क्यों मारा? कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, बताती हूँ यामिनी बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर लेखक बाबू को मैंने क्यों मारा इसकी वजह जानने से पहले तुम्हें कुछ और जानना बहुत जरूरी है, वरना तुम दोनों कभी समझ ही नहीं पाओगे कि मैंने क्यों लेखक बाबू को मारा और मुझे ही गलत समझते रहोगे। युग और यामिनी दोनों खामोशी रहते हैं और बड़े ध्यान से कामेश्वरी यक्षिणी की सारी बातें सुनते रहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी दास्तां को आगे जारी रखते हुए युग और यामिनी से कहती है, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो भक्षानर का अंश मुझे हर बात बताया करता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ताकि मुझे नीचा दिखा सके, मेरा आत्मविश्वास तोड़ सके कि मैं हार गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसी ने मुझे बताया था कि चित्रा युग को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी आ गई है और अब वो वहीं पर रहने लगी है। चित्रा जब युग को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी आ गई थी, उसके बाद ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम्हें सब पता ही होगा। युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए तुरंत बोल पड़ता है, हाँ, माँ जाने से पहले अपनी सारी यादें एक आंसू में डाल कर गई थी, उससे मुझे माँ की सारी दास्तान पता चल गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि चित्रा ने किन हालातों में ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ी, उसने किन हालातों में भक्षानर के अंश के साथ बिसाहा किया, पर तुम्हें ये पता नहीं होगा कि चित्रा के जाने के बाद प्रशांत का क्या हुआ, क्योंकि चित्रा को भी नहीं पता था कि प्रशांत के साथ क्या हुआ था, वो कैसे मरा था। युग कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए पूछता है, कैसे हुई थी प्रशांत अंकल की मौत कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें शायद याद नहीं होगा युग, पर मुझे अच्छे से याद है, जिस रात लेखक बाबू तुम्हें हॉस्टल छोड़कर वापस ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचे थे वो पूर्णिमा की रात थी, यानी भक्षानर के अंश की मुझ तक शिकार पहुंचाने की रात, और जब लेखक बाबू वापस ग्रेवयार्ड कोठी आए तब उन्होंने देखा कि, इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अतीत की यादों में चली जाती है। ठीक उस पल में जब अनुराग युग को शहर छोड़कर वापस रात में ग्रेवयार्ड कोठी आया था, इस वक्त अनुराग जस्ट ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसाई था। ग्रेवयार्ड कोठी का हाल देखकर उसके होश उड़ गए थे। हॉल के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही अनुराग समझ गया था कि वहां किसी ने कुछ न कुछ ढूंढने की जरूर कोशिश की थी। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी की हालत देखकर खुद से कहता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, मेरी ग्रेवयार्ड कोठी की ऐसी हालत किसने कर दी, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कदम बढ़ाते हुए चित्रा को आवाज लगाते हुए कहता है, चित्रा डायन, ओ चित्रा डायन,
कहाँ पर है तू? जरा सामने तो आ। मेरे जाने के बाद ये क्या हाल कर दिया तूने मेरी कोठी का? किसी का कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग की भारी आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजते रहती है। अनुराग फिर चित्रा को पुकारते हुए कहता है, चित्रा डायन, ओ चित्रा डायन, देख मैं अपना वादा पूरा निभाकर वापस आ गया हूँ। मैंने युग को सही सलामत उसके हॉस्टल छोड़ दिया है। चित्रा का कुछ जवाब नहीं आता है। ये सब देखकर अनुराग को गुस्सा आने लग जाता है। गुस्से से उसकी आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती है। उसके हाथों पर बने निशान भी चमकने लग गए थे। अनुराग गुस्से के साथ खुद से बोल पड़ता है, ये चित्रा डायन कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आखिर ये कर क्या रही है? इसने ये ग्रेवयार्ड कोठी की क्या हालत बनाकर रखी है? मेरे जाने के बाद क्या ढूंढने की कोशिश की है इसने? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बस ये एक बार मेरे सामने आ जाए, आज इसे ऐसी सजा दूंगा कि इसकी सारी होशियारी निकल जाएगी। अनुराग फिर चित्रा को पुकारते हुए कहता है, चित्रा डायन, ओ चित्रा डायन, जल्दी आ जा मेरे पास, वरना कभी नहीं बन पाएगी तू महाडायन। चित्रा का कुछ जवाब नहीं आता है। हॉल के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। अनुराग खुद से कहता है, आखिर कहाँ चली गई ये डायन? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना कहकर अनुराग हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है और कोठी के अंदर चित्रा को ढूंढने लग जाता है। वो हर कमरे के अंदर जाता है और चित्रा को आवाज लगाते हुए पुकारते जाता है, पर चित्रा का कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग जिस भी कमरे में जाता उस कमरे का हाल वैसा ही रहता जैसा हॉल का। सभी कमरों के अंदर का सामान बिखरा हुआ था, जैसे वहां पर हर कमरे की तलाशी ली गई हो, कुछ ढूंढा गया हो। जब अनुराग चित्रा को ढूंढते हुए रूम नंबर 666 में पहुंचता है तो वहां का मंजर तो बाकियों के कमरों से भी ज्यादा बुरा था। रेक्स पर जितनी किताबें पहले जमी हुई थी सारी फर्श पर एक के ऊपर एक बिखरी हुई थी। पेन, कॉपी, कागज सब नीचे पड़े हुए थे। कमरे के अंदर कदम रखने की जगह भी नहीं थी। अगर वो कदम रखता तो उसके पैर सीधे उसकी किताबों पर पड़ते, इसलिए वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाता है और बाकी के कमरे में चित्रा को ढूंढने लग जाता है। देखते ही देखते अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के सारे कमरे छान मारता है, पर उसे चित्रा कहीं नजर नहीं आती। नजर आते हैं तो सिर्फ बिखरे हुए कमरे के सामान। हर कमरा बिखरा हुआ था, कोई भी चीज जगह पर नहीं रखी हुई थी। अनुराग अपने बेडरूम के अंदर चित्रा को ढूंढने जाता है, तभी वहां उसे बिस्तर पर तकिए के पास दो मोबाइल नजर आते हैं। अनुराग उन दोनों मोबाइल को अपने हाथ में लेते हुए खुद से कहता है, ये एक मोबाइल तो उस डायन चित्रा का है, ये दूसरा मोबाइल किसका है? अनुराग उस मोबाइल को एक टक देख ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि ऐसा ही मोबाइल उसने प्रशांत के पास देखा था जब वो युग को छोड़ने के लिए शहर जा रहा था। अनुराग अपना दिमाग दौड़ाने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि प्रशांत का मोबाइल वहां पर कैसे आ सकता था। अनुराग के अंदर भक्षानर के अंश का दिमाग चल रहा था, इसलिए उसे एक सेकंड भी नहीं लगता इस बात का पता लगाने में कि प्रशांत का मोबाइल वहां पर कैसे पहुंचा होगा। अनुराग गुस्से के साथ खुद से कहता है, अब मेरी सब समझ आ गया है कि क्यों वो प्रशांत इतना घबराया हुआ था। जरूर मेरे जाने के बाद उस चित्रा ने उसे फोन करके बुलाया होगा, उसे सारी बातें बता दी होंगी। उन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर कामेश्वरी यक्षिणी को ढूंढा होगा, पर कामेश्वरी यक्षिणी उन्हें नहीं मिली होगी। कामेश्वरी यक्षिणी उन्हें मिलती भी कैसे, उसे तो मैंने। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। अनुराग फिर खुद से भारी आवाज में बोल पड़ता है, मैं चित्रा को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मुझे उसे ढूंढना होगा। उसके अंदर एक पिशाच और डायन की शक्तियां हैं, वो मेरे बहुत काम आ सकती है। अगले पल अनुराग अपनी जेब से डायन समुदाय का हरा हीरा निकालता है जो चित्रा ने उसे युग के बदले सौंप दिया था। अनुराग उस हीरे को देखते हुए कहता है, मैंने युग को हॉस्टल सही सलामत छोड़ दिया है, अपना बिसाहा पूरा कर दिया है, उसी के साथ अब इस हीरे की शक्ति भी मेरी हो गई है। अनुराग मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है और देखते ही देखते वो हीरा हरे रंग में चमकने लग जाता है, जिसे देखकर अनुराग मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि अब उस हीरे की शक्तियों पर उसका कब्जा था। अनुराग उस हीरे की मदद से ही चित्रा का पता लगाने की कोशिश करने लग जाता है, अलग अलग मंत्र पढ़ने लग जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे चित्रा का पता नहीं चल पाता। अनुराग गुस्से से खुद से कहता है, ये क्या, मैं तो इस हीरे की मदद से भी चित्रा का पता नहीं लगा पा रहा हूँ, अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? अनुराग खुद से बार बार यही सवाल पूछने लग जाता है। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कैसे ढूंढूं मैं उस चित्रा को, कैसे ढूंढूं? अनुराग खुद से बार बार ये सवाल पूछ ही रहा था कि तभी ग्रेवयार्ड कोठी में हल्की सी हलचल होती है, जैसे किसी ने अपना कदम आगे बढ़ाया हो। अनुराग तुरंत पीछे मुड़ता है, पर उसे सोफे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। वहां पर घना अंधेरा होता है। अनुराग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि इस वक्त उसे चित्रा की फिक्र ज्यादा थी, उसे कैसे भी करके चित्रा को ढूंढना था।
अनुराग फिर से खुद से बार बार पूछने लग जाता है कि वो चित्रा को कैसे ढूंढे, कैसे उसका पता लगाए। अनुराग खुद से बार बार ये सब पूछ ही रहा था कि तभी अनुराग अपनी आवाज में खुद से बोल पड़ता है, पुलिस स्टेशन जा भक्षानर। अनुराग भारी आवाज में खुद से कहता है, तू फिर जाग गया तो तुझे पता चल ही गया कि तेरी वो चित्रा मुझे धोखा देकर भाग गई है। अनुराग अपनी आवाज में कहता है, हाँ पता चल गया है भक्षानर, और मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मुझे नहीं लगता वो तुझे धोखा देकर भागेगी, क्योंकि अगर उसे जाना ही होता तो वो बहुत पहले जा चुकी होती। इसलिए तू अभी पुलिस स्टेशन जा और उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवा, इससे पहले कि देर हो जाए। अनुराग हंसते हुए भारी आवाज में खुद से कहता है, मैं क्या तुझे पागल दिखता हूँ जो मैं उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अनुराग खुद अपनी आवाज में कहता है, पागल तो तू है ही भक्षानर, तू पृथ्वी लोक पर राज करना चाहता है और तुझे पृथ्वी लोक पर जीने के तौर तरीके ही नहीं पता। तू ऐसे कैसे मेरी जिंदगी जी पाएगा भक्षानर? तू मेरी जिंदगी जीना चाहता था ना, एक लेखक बनकर तू मेरे हाथों अपना इतिहास लिखवाना चाहता था ना, ताकि तेरे बारे में सारी दुनिया जाने। ऐसे में कैसे तेरे बारे में सारी दुनिया जानेगी? तू नहीं जानता ये इंसानी दुनिया है और इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। अगर तू चित्रा के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने नहीं गया तो कल तक पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। उन्हें शक होगा कि तूने ही चित्रा को मारा है और उसके बाद तुझे जेल हो जाएगी, तू वहाँ पर सड़ते रहेगा। अनुराग घमंड के साथ भारी आवाज में खुद से कहता है, तो तुझे क्या लगता है कि वो मामूली जेल की सलाखें मुझे रोक पाएंगी? अनुराग अपनी आवाज में खुद से कहता है, जेल की सलाखें तो तुझे नहीं रोक पाएंगी, पर तेरे मकसद को पाने में तुझे रोक सकती है ना। जेल जाने के बाद तू अपनी कहानी पब्लिश नहीं करवा पाएगा। अब तक जो तूने अनुराग बनने का नाटक दुनिया के सामने किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। भक्षानर की वो कहानी जो तू दुनिया तक पहुंचाना चाहता है वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। जब कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से योग ये बात सुनता है तो उसे चित्रा की बात याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि एक बार जब चित्रा ने भक्षानर के अंश से पूछा था कि वो उसके सामने कहानी लिखने का नाटक क्यों करता है, तो उस वक्त भक्षानर ने भी यही जवाब दिया था कि वो अपना इतिहास खुद लिख रहा है ताकि दुनिया उसके बारे में जाने और उसके ही अनुयायी बन जाए, भगवानों की तरह उसके भी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करने लग जाए। अनुराग के शरीर में समाये भक्षानर के अंश को भी अनुराग की बात ठीक लगने लग जाती है। अनुराग फिर अपनी आवाज में खुद से कहता है, जल्दी कर भक्षानर, जल्दी जा और रिपोर्ट लिखवा चित्रा के गुम होने की। अनुराग भारी आवाज में खुद कहता है, हाँ मैं अभी जाता हूँ, इस इंसानी दुनिया में भी जीने के लिए ये मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अनुराग फिर अपनी आवाज में कहता है, जल्दी से रिपोर्ट लिखवा कर आ जा, यक्षिणी थोड़ी कहीं पर जा रही है, वो तो यहीं पर रूम नंबर 666 के अंदर अदृश्य कमरे में कैद है। वापस आने के बाद तुझे उसके लिए शिकार का इंतजाम भी तो करना है, आज पूर्णिमा जो है। भक्षानर के अंश को अनुराग की ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि उसने ये बात क्यों बोली थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग ये बात बोलकर किसी तक ये संदेश पहुंचा रहा था जिसे कहीं ना कहीं भक्षानर के अंश ने भी भांप लिया था। अनुराग भारी आवाज में खुद से कहता है, ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? तू किसे बता रहा है कि कामेश्वरी यक्षिणी कहाँ पर है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।